Hello, once again, dear students of PGDM 6 especially, because this video is specially prepared with keeping in mind for the PGDM 6 students. This is one of the major subject of finance specialization student, merger and acquisition. तो इससे पहले हमने इस टॉपिक पर दो वीडियोज आपको ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, जिसमें हमने आपको मर्जर्स के बारे में और एक्विजिशन के बारे में जानकारी दी थी। टाइप्स ऑफ मर्जर्स भी आपने देखा था, जिसमें आपने फोर टाइप्स ऑफ मर्जर्स देखे थे, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्सेंट्रिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमोरेट मर्जर। एंड इवन हमने आपको लास्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टल मर्जर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है। तो वर्टिकल मर्जर आज का टॉपिक होगा इस वीडियो का। वर्टिकल मर्जर को डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से मैं आपको हॉरिजॉन्टल मर्जर का एक रिव्यू दे दूं। हॉरिजॉन्टल मर्जर में आपने देखा था कि दो कंपनियां जो एक ही इंडस्ट्री की है, वो आपस में मिलकर मर्ज कर रही हैं और दोनों मिलकर अब फ्यूचर में काम करेंगी। इसके फायदे क्या क्या थे, आपने देखा था कि जब दो कंपनी आपस में मिल रही है, उनके प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं, जिससे उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, मतलब कॉस्ट को वो अब रिड्यूस कर पाएंगे। साथ ही साथ अब उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपने देखे थे, जैसे वोडाफोन आइडिया, आर्सलर मित्तल, जेपी मॉर्गन चेज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के हैं, जिसमें आप देखिए कि जितने भी मर्जर्स हुए हैं वो दो कंपनियां जो हैं वो एक ही इंडस्ट्री के हैं। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के फायदे देखिए, रिसर्च कैपेबिलिटीज आपके बढ़ जा रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका अच्छा हो रहा है, कस्टमर का बेस बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी आपकी पहले से अच्छी हो रही है। फायदे के तौर पर आपने ये भी देखा था कि कॉस्ट रिड्यूस होने के साथ प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, रेवेन्यू आपके बढ़ रहे हैं और मार्केट एक्सपेंसेस के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जिसमें आपने देखा कि मोनोपोली होने के चांसेस हैं, साइज अगर कंपनी का बड़ा हो जा रहा है मर्जर के बावजूद तो वहां पर मैनेज करना एक समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ हर बार आपके डिसीजंस पूर्ण तरीके से पॉजिटिव चेंजेस दें जरूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर स्पेशली दिस इज फोकस्ड ऑन वर्टिकल मर्जर डेफिनेशन। वर्टिकल मर्जर में देखिए, वर्टिकल मर्जर एक ऐसा मर्जर है जहां पर कंपनी अपने ही बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनके साथ वो मर्ज कर जाता है। सो इस वर्टिकल मर्जर रेफर्स टू मर्जर बिटवीन टू मोर बिजनेस यूनिट्स दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अलोंग विद द सेम इंडस्ट्री, वेयर वन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, द अदर इज द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल और सर्विसेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सच ए प्रोडक्ट। अ वर्टिकल मर्जर कंबाइंस टू और मोर कंपनीज इनटू द सेम इंडस्ट्री बट produces different products or services along the value chain. तो इन आप देखिए वर्टिकल मर्जर के केस में क्या हो रहा है कि जो दो कंपनियां हैं वो इंडस्ट्री एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज बना रहे हैं। जैसे देखिए, एक कार बनाने वाली कंपनी जो है, उनको कई रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, कई कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे एक कार बनाने वाली जो कंपनी है, उनको अपने कार को एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए टायर्स की आवश्यकता है, और टायर बनाने वाली जो कंपनी है वो उनको टायर सप्लाई करती है। इसी तरीके से जो कार बनाने वाली कंपनी है, उनको स्टेयरिंग्स चाहिए होंगे, बैटरी चाहिए होंगे, जो उन वो दूसरी कंपनी से खरीदते हैं। तो वर्टिकल मर्जर के केस में आप देखिए, दो कंपनियां ज्वाइन तो कर रही हैं और वो जो दो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट्स अलग अलग बना रही है, लेकिन अगर वो दो कंपनियां आपस में ज्वाइन कर जाएंगी तो उनको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक कार बनाने वाली कंपनी अगर टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर जाए, मतलब वो कंपनी अब दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होगी, वो कंपनी खुद भी कार भी बना रही है और कार के जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी बना रही है, टायर्स भी बन रहा है। तो वर्टिकल मर्जर यू सी कंबाइंस टू और मोर कंपनीज इनटू द सेम इंडस्ट्री बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अलोंग द वैल्यू चेन।
It provides a strategic tool for companies to grow their business and acquire more control over the steps supporting the supply chain. आप देखिए सप्लाई चेन में बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है, कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रही हैं, और फाइनली कुछ जो रिटेलर्स के तौर पर काम कर रही हैं। वर्टिकल मर्जर अलाउज कंपनी टू यूज सिनर्जीज दैट अल्टीमेटली हेल्प ऑपरेट एफिशिएंटली, रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सपैंड बिजनेस। इट ऑल्सो अलाउज कंपनीज टू ग्रो देयर ऑपरेशंस इनटू डिफरेंट फेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। द अपोजिट ऑफ ए वर्टिकल मर्जर वुड बी हॉरिजॉन्टल मर्जर व्हिच इन्वॉल्व्स टू और मोर कंपनीज क्रिएटिंग कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग कॉम्पीटिंग सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग इन द सेम स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। वर्टिकल मर्जर के केस में आप देख रहे हैं कि जो कंपनी दो कंपनियां मर्ज कर रही हैं वो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स बना रही हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। अगर वो तक दो कंपनियां आपस में मिल जाएं तो इसका फायदा है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और इस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो यू सी वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर यू कैन से द वर्टिकल मर्जर। So a classic example of vertical merger would be eBay and PayPal in 2002. eBay is an online shopping and auction website, and PayPal provides services to transfer money and allows users to make online payments. Though both eBay and PayPal were operating in different business, the merger helped eBay increase the number of transactions and proved a strategic decision overall. तो देखिए वर्टिकल मर्जर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए कि eBay एक कंपनी और PayPal एक कंपनी है, और दोनों ही जो कंपनियां हैं वो आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट्स अलग हैं। जैसे eBay आप देखिए एक ऑनलाइन शॉपिंग और ऑक्शन वेबसाइट है, और PayPal जो है वो एक ट्रांसफर मनी प्रोवाइड करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। तो दो कंपनियां, जब ये दो कंपनियां आपस में मर्ज कर जाएंगी तो इनके ट्रांजेक्शन्स जो है वो देखिए किस तरीके से बढ़ सकते हैं। चूंकि जब आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ बेच रहे हैं, तो वहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा और ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करने की सुविधा होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंपनी आपस में मर्ज करनी है तो इसके बहुत सारे फायदे ऑनलाइन जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको तो मिल ही रहा है, प्लस जो कंपनी फॉर्म हो रही है उनको भी बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। सो यू सी दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर के केस में आपने देखा कि दो कंपनियां आपस में जुड़ रही हैं। जैसे उसका एक और भी बहुत अच्छा उदाहरण आप देखिए कि एक वर्टिकल मर्जर के केस में हमने आपको ऑलरेडी कहा कि एक कार बनाने वाली जो कंपनी है, अगर एक टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर जाए तो इसके फायदे हैं कि जो ऑटो मेकर हैं, जो कार बनाने वाली कंपनी है, वो डिपेंडेंट नहीं है दूसरी कंपनी पर, टायर बनाने वाली कंपनी पर। अब एक ही कंपनी दोनों ही चीज बनाएगी, और इस तरीके से वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ए वर्टिकल मर्जर वुड बी अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्जिंग विद अ टायर कंपनी। It would not only benefit in reducing the cost for the automaker, but also help expand the business by supplying the tires to other car manufacturers. So this type of merger will make the profit margins better by reducing the cost and boosting the top line, the revenue through business expansion. And now that why a vertical merger happened. Some reasons for a vertical merger could be as follows. Reduction in operating costs, yes. Higher margins and profits, better quality control, better management of information flow, merger synergy, operating, financial as well as managerial synergy. So whenever, if there is any question asked from you, please, when you write the answers, please write the examples too, so that the things can be better understood. So again, saying to the PGDM 6 students, now this, as you all know, that this is one of your major subject of finance specialization. So again, saying that you listen the video lectures carefully and read the PPT and go through the PPT, get the idea about the merger and types of ideas. And the examples are also mentioned there. एग्जाम्पल्स भी फाइंड आउट कीजिए, और नए नए एग्जाम्पल्स और आप अपने आंसर्स में मेंशन कीजिए, सो दैट द एग्जामिनर कैन गेट द मोर आइडिया दैट यू आर नोइंग अबाउट द मर्जर एंड इट्स टाइम।
तो आज के वीडियो में इस वीडियो में हमने आपको वर्टिकल मर्जर की जानकारी दी, जहां पर आपने देखा कि एक कंपनी अपने सप्लाई चेन से जुड़ी जो दूसरी कंपनी उसके साथ मर्ज कर दिए, जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा कि एक कार बनाने वाली कंपनी जो है टायर वाले बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर जा रही है। फायदा यह है कि टायर बनाने वाली कंपनी के लिए भी फायदा है, कार बनाने वाली कंपनी के लिए भी फायदा है। कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी पर डिपेंडेंट थी कि कब वो सप्लाई करेगा, किस प्राइस पर सप्लाई करेगा। टायर बनाने वाली कंपनी को भी की भी डिपेंडेंसी थी कार बनाने वाली कंपनी पर कि कार बनाने वाली कंपनी के क्या डिमांड्स हैं, जैसे डिमांड्स होंगे वैसे ही टायर्स के डिमांड होंगे, और वो किस प्राइस पर हमें ऑफर करेंगे। ये दोनों ही कंपनियों के लिए बेनिफिशियल है इस प्रकार के मर्जर्स, और ऐसे मर्जर्स जो है वो दोनों ही कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में फायदा पहुंचाती हैं और साथ ही साथ बिजनेस एक्सपेंशन में भी मदद करती है। सो वंस अगेन सेइंग टू द स्टूडेंट्स, गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, लिसन इट केयरफुली एंड इवन गो थ्रू द पीपीटी टू, सो दैट यू कैन गेट द मोर आइडिया अबाउट द मर्जर एंड इट्स टाइम। सो एवरी टाइम ये भी बोला जाता है कि आप सेल्फ स्टडी भी फोकस्ड रहें, सिलेबस को पढ़ें, पीपीटीज को पढ़ें, और इसके अलावा वीडियो लेक्चर सुने, और अपनी तरफ से भी आप आंसर्स को बेहतर करने के लिए और भी स्टडी आपको करनी चाहिए। सो रीड मोर, गेट मोर आइडिया एंड डू वेल इन योर फ्यूचर इन योर एग्जामिनेशन। सो राइट नाउ आई एम सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर नाउ स्टूडेंट्स।